देखो अगर तो कनेक्टेड है तो करने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज कहते हैं ना टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, तो अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो आप खुद भी तो सीख रहे हैं ना, तो कोशिश करो वही सिखाओ जो कि आपके भी काम आने वाला है, क्योंकि अभी आपका मेन गोल क्या है, देर इज अ प्राइमरी गोल एंड देर इज अ सेकेंडरी गोल, प्राइमरी गोल इज टू क्रैक इट एंड सेकेंडरी गोल एट दिस पॉइंट इन टाइम इज टीचिंग, राइट। तो अपने सेकेंडरी गोल को प्राइमरी गोल से कनेक्ट कर दो, वही पढ़ाओ जो कि आपके काम आने वाला है इसको क्रैक करने के लिए। लाइक कभी कभार क्या होता है कि बर्डन सम हो जाता है कि क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक टीचर की कि लाइक पूरा कोर्स कंप्लीट करना है या यूट्यूब पे भी पूरा मैंने लाइक सीरीज़ वगैरह शुरू करी है एक सब्जेक्ट वाइज, तो कभी कभार बर्डन बन जाता है कि मतलब अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता, तो मतलब करना चाहिए मेरे को मतलब पूरा रेगुलरली या ब्रेक्स में? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बर्डन ले करके मत करो, इसलिए मत करो कि वो टीचिंग करके कुछ होने वाला है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। हाँ, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा गैप है कि जो सिर्फ आप ही पूरा कर रहे हो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और बहुत लोगों के लेक्चर्स फ्री में भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। राइट राइट राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो कोई और ना कर रहा हो, तो वही करो जो आपके खुद के पहले काम आने वाला है। जैसे हम किसी फ्लाइट में जा रहे होते हैं वहाँ पे बोलते हैं ना कि साथ वाले को मास्क लगाने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लो फिर अपने बच्चे को लगाना। हाँ, राइट। तो ऐसे ही पहले अपना इंश्योर कर लो कि अगर तो ये पढ़ा करके आपको एक तरह का आपका रिविजन हो रहा है, आपकी जो क्लैरिटी है वो बढ़ रही है, तब तो ठीक है। बट अगर ये करके आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपने मेन गोल से, तो वाई आर यू डूइंग इट, तो फिर उसको छोड़ सकते हो, उसको दो साल बाद कर लेना, अभी कौन सी लाइफ कहीं जा रही है। हाँ, राइट। अगर फुल टाइम ही करनी हो टीचिंग तो दो साल बाद कर लेना, जस्ट इन केस अगर नहीं हुआ तो। राइट।